हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं वीडियो के साथ। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं खीर। तो गाइस, खीर तो आपने बहुत खाई होंगी। जी हाँ, खाते भी हैं खीर, साबूदाने की, सेवैया की, सब चीज की खाते हैं। तो आज मैं चावल वाली खीर बना रही हूँ, लेकिन आज मैं गुड़ वाली खीर बनाऊंगी, जो गुड़ से बनाई जाती है गाय। तो उसके लिए ना हमें क्या करना है, गाय का दूध चाहिए होता है। तो गाय का दूध बहुत सी जगह मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन गाय के दूध के लिए अमूल गोल्ड का दूध होता है ना, वो गाय का ही होता है। तो गाय, ये मैं ना 1 लीटर दूध लूंगी। तो पहले है ना हम इसको काटते हैं। तो गाय, मैंने पॉलीथिन को फाड़ लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अमूल का दूध, ये फुल क्रीम दूध होता है। अगर आपके पास गाय का दूध है तो गाय के दूध से ही ये बहुत अच्छी बनती है। मैं ऐसे ही दोनों पाउचों को निकाल दूंगी। गाइस, मैंने इसमें ना 1 लीटर दूध ले लिया है। अब इसको ना अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं गाइस, ये मेरे पास है ना आधा कटोरी बासमती राइस है। इसको मैं ना 5 मिनट के लिए पानी में रखूंगी। ये बहुत लंबा लंबा चावल होता है, इसमें ना बासमती राइस से भी खीर बहुत अच्छी बनती है। फिर आप जैसा चाहे, वैसे आपके घर पर चावल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये है तो बहुत बेस्ट होगा। इसे मैं पानी में डालती हूँ। तो गाइस, ये हमारे दूध में भी बहुत अच्छी सी खोल आ गई है। अब इसमें जो हमने जो राइस को 5 मिनट के लिए पानी में रखा था, इसे इसमें मैं डाल दूंगी। इसको ऐसे चलाएंगे कि तले में जाके चावल नहीं लग जाए। अब इसको हम है ना ऐसे ही खोलाएंगे, तब तक हमारे चावल अच्छे से पक नहीं जाए। तो गैस, अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। इसको है ना हम कम आंच पे ही इसे पकाएंगे। अब इसको करती हूँ मैं सिम। तो गैस, इसमें थोड़ा सा खोल भी आ गया है, चावल हमारे बिल्कुल भी पके नहीं है। थोड़ा टाइम लेते हैं चावल। ये चावल में पोजीशन बेकार है, बिल्कुल भी चावल नहीं पके हैं, क्योंकि चावल अगर पक जाता ना तो ये अच्छा सा फूल जाता। तो गैस, इसको ना हम ऐसे ही पकने देते हैं। और इसमें हम क्या डालेंगे वो बताते हैं आपको। तो गैस, ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है। इसमें हमने ना कुछ मिली जुली मेवाएँ डाली हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, चिरौंजी है। बाकी का आप जैसा ड्राई फ्रूट खाना चाहे उसी हिसाब से डालें। ये मखाने हैं, तो इसको ना मैं ऐसे ही डाल दूंगी इसके अंदर। तो गैस, ये खोल खोल के एकदम खीर रबड़ी के फॉर्म में आ चुकी है। आप देख रहे होंगे चमचे के ऊपर खूब सारी मलाई भी पड़ रही है, यानी हमारा चावल भी अच्छा सा फूल गया है। पहले की अपेक्षा देख रहे हो, बहुत शानदार चावल फूला है। अब इस पोजीशन में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे थे। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। अब थोड़े से रखे हैं मखाने, तो मैंने भी डाल दूंगी। इसको मैं मिला दूंगी अच्छे से। अब इनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को भी इसमें अंदर पकाएंगे, और चावल थोड़ा कच्चा भी रह जाएगा ना, तो इसके साथ ही पक जाएगा। वैसे ही छोड़ देते हैं। तो गाइस, ये है गुड़ यानी जैगरी। तो इसको मैंने लिया है, और ये मेरे पास देसी घी है, क्योंकि ये छौंक लगाएंगे हम खीर में। ये मेरे पास 3-4 इलायची है, तो इसको मैंने ना पाउडर नहीं बनाया, दाने में रखेंगे। अगर आपको दाना पसंद नहीं है तो आप पाउडर भी बना सकते हैं गाइस, लेकिन इसका छौंक देसी घी में ही लगता है। और गाइस, ये इसको मैंने अच्छा सा तोड़ लिया है, एकदम मेल्ट कर लिया है गुड़ को। तो वैसे भी इसमें ना क्या गांठे पड़ जाती है, तो थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए आप इसको ना अच्छा सा फोड़ लें तो ये परेशान नहीं करेगा। तो गैस, अब मैं इसमें छौंक लगाने की तैयारी करती हूँ। खीर को रखती हूँ साइड में। तो गैस, अब इसको घी को करते हैं गरम। तो गैस, ये घी भी अच्छा सा मेल्ट हो गया है। सर्दियों में क्या है ना, सब चीज़ें जम जाती हैं, तो थोड़ा टाइम भी लेती हैं। अब ये अच्छा सा पक गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची। खीर में इलायची बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो गाइस, अब मैं इसमें डालती हूँ इलायची का छौंक खीर के अंदर। अब गाइस, देसी घी में इलायची का छौंक लगे तो किचन हमारी बहुत ही शानदार तरीके से महकती है, सारी चीज़ों को दबा देती है इलायची। अब गाइस, इस पर रह गया आखिरी में डालेंगे हम
गुड़। गाइस गैस के फ्लेम को मैं करती हूँ बंद, क्योंकि हम गुड़ डालेंगे तो हमारी खीर फट सकती है, तो इसलिए मैंने पहले कर दिया गैस को बंद। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, जो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। ये परेशानी करेगा इसमें खीर के अंदर, मैं इसको घोलूंगी तो भाई साहब छोड़ दो। गाइस अब इसको है ना हम अच्छे से ऐसे ही मिला लेंगे गुड़ को खीर के अंदर। देख रहे होंगे आप बहुत ही सुंदर दिख रही है हमारी खीर, एकदम रबड़ी लग रही है, कोई कह नहीं सकता। गाइस ये खीर है, इसमें कलर बदल जाएगा और ये गुड़ की खीर हो जाएगी। बराबर चलाते रहें ताकि ये फट नहीं पाए, क्योंकि गुड़ है ना हमारा थोड़ा खट्टा होता है ना, तो फटने के चांसेस रहते हैं गर्म चीज में। गैस को अभी हम ऑन करेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने बंद कर दिया। अगर आप गुड़ डालें ना उस पोजीशन में, आप गैस को ना बिल्कुल भी ऑन नहीं रखें, आप गैस को फ्लेम को ऑफ कर दें गाइस। अब इसमें ना गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, अब मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, बस थोड़ा पकाना है। तो गाइस मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, आप इसे ना बराबर ऐसे चलाते रहेंगे, हल्का सा इसका जो पानी सा निकल आता है ना दूध का, गुड़ डालने से हल्की से पतली हो जाती है, तो ये ना बराबर चलाएंगे तो फटेगी नहीं, हल्का सा थिक हो जाएगा। तो गैस खीर ने एकदम कलर बदल दिया है, एकदम केसरिया रंग में आ गई है, ऐसे लग रहा है कि रस खीर बन गई है। और गैस मेरी खीर बन गई, तैयार हो गई है। अब इसको मैं करती हूँ बंद, बस इतना ही पकाना है, वरना इसके ये ना पनीर में बदल जाएगा दूध। तो मैं गैस को करती हूँ बंद, फाइनली खीर बनके तैयार हो गई है। तो गैस फाइनली मेरी गुड़ खीर बनके तैयार हो गई है, आपको इसमें रबड़ी का भी स्वाद मिलेगा और है ना इसमें आपको हल्का ऐसा लगेगा इसमें मावा भी डली है। और गैस बस आपको एक ध्यान रखना है, जब इसमें गुड़ ऐड करते हैं ना तो आप इसको गैस की फ्लेम को बंद कर दें, तब आप इसमें गुड़ डालें। अगर चलती गैस में आपने गुड़ डाल दिया तो गैस आपकी खीर के पचकड़े उड़ जाएंगे, पूरी पनीर जैसी बन जाएगी, फट जाएगी गैस। बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी का जैसे मैंने किया आप वैसे ही फॉलो करें। और आप किसी को देते हैं तो ऊपर से हल्का सा ड्राई फ्रूट और ऐड कर दें। और मेरी गुड़ की खीर को आप लाइक करें और इस गुड़ की खीर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, तो मैं ऐसी ही वीडियो लेके आऊंगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझको सब्सक्राइब करना। टेक केयर।